ठीक है। अब मैं अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं अगर इसको रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव पे क्लिक कर दूँगा। अगर मैं इसका लिंक डिसेबल करना चाहता हूँ या फिर कुछ भी मेगा मेन्यू में ऐड कर इनेबल करना चाहता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, सारे काम भी मैं कर सकता हूँ इसमें। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर, अभी नेविगेशन लेवल अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई यूआरएल ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा अभी, और मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ उसको अभी के लिए। पहला जो आपका होम पेज है वो आपका क्या हुआ, कस्टम लिंक हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक पेज बने, कस्टम लिंक ना बने, तो मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मैं रिमूव मेन्यू, अगर आप अपने मेन्यू को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट मेन्यू पर क्लिक करके कर सकते हैं। सो यहाँ मैं करता हूँ, अभी मैं अबाउट की जगह इसको कर दूंगा, मैं सैम्पल पेज को मैं कर दूंगा होम पेज, होम पेज बना दूंगा इसको मैं। यहाँ मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा मैं होम, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, होम पेज बना दिया अभी, सही। तो ये मेरे पास होम पेज बन गया, उसको मैं उठा के ऐसे ड्रैग करके मैं इसको टॉप पे ले आऊँगा। होम मेरे पास दो दो बन गए, मैं किसी भी एक होम पेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए अभी। अगर आप इसे मूव अप वन करना चाहते हैं, डाउन वन करना चाहते हैं, अंडर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या टू द टॉप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ये बेसिकली सेटिंग्स हैं, ऊपर नीचे अप डाउन अंडर कॉन्टैक्ट और टू द टॉप। मैं से टू द टॉप करता हूँ तो ये मेरे टॉप पे आ गया। अगर मैं इसे करता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए करता हूँ मैं इसको, अगर फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, और मैं अगर मैं इसे दोबारा करके दिखाता हूँ, ये कुछ सेटिंग्स हैं आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये आपको दिखा रहा है कि ओरिजिनल क्या था, कि सैम्पल पेज था जो मैंने इसका नेविगेशन लेबल जो है वो चेंज किया। फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाते, इतनी बहुत है। मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग वाले को इसके ऊपर लाता हूँ, ब्लॉग को इधर ले आता हूँ, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये सब आइटम बन गया। ठीक है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, वेब कोडिंग को भी उठाता हूँ मैं इसके ऊपर लाता हूँ, ब्लॉग के नीचे लाता हूँ, और सर्विसेज को भी मैं यहाँ लाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं सबको तो बल्क सेलेक्ट पर क्लिक करके आप जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट करके जा सिलेक्ट करते रहें, जितने भी आपने डिलीट करने, तो जितने भी सिलेक्टेड आइटम्स होंगे फिर वो रिमूव हो जाएंगे। फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ उसको, अभी कुछ नहीं करता मैं, अनचेक कर दिया मैंने इसको, बल्क सेलेक्ट को सेव मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, मेरे मेन्यूज़ बन गए हैं। सो मैं यहाँ पे सेव मेन्यू पे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ और विजिट साइट को जो है वो न्यू टैब में खोलता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको मेन्यू शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे मैं बताता हूँ। यहाँ से मैंने क्योंकि चेकिंग लगाया कि मुझे मेन्यू कहाँ पर डिस्प्ले करे, लोकेशन आपको डिस्प्ले लोकेशन लाजमी बतानी है। आप यहाँ से भी डिस्प्ले लोकेशन बता सकते हैं, और यहाँ पर मैनेज लोकेशन में आके भी आप बता सकते हैं कि आपने कहाँ पर लोकेशन देनी है। टॉप बार पर आपने देनी, तो ये आपका जो मेन्यू का नाम होगा, जो जिस नाम से आपने मेन्यू बनाए हैं वो आपके सामने शो होंगे। अगर आपने मेन पे रखना है तो आप मेन पे चेक लगा दें, फूटर पे रखना है तो फूटर कर दें, और मोबाइल में रखना है तो मोबाइल का भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर यूज़ न्यू मेन्यू का भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। फिलहाल ये वही चीज़ आपको दिखा रहा है कि अगर न्यू मेन्यू बनाना है तो आप बना सकते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसे यहाँ मैं आपको एक लोकेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने मेन मेन्यू जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये आपके मेन्यूज़ आ गए। ठीक है, ये मेरे पास ये जो मेन्यूज़ हैं मेरे पास आ गए हैं। सो यही मेरे पास मेन्यूज़ हैं अभी, और अगर मैं इनकी पैडिंग वगैरह बढ़ाना चाहूँ तो मैं कस्टमाइज में जाके मेन्यू हेडर में जाके मैं सारी सेटिंग्स कर सकता हूँ, और मेन्यू में भी जाके मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ ये आपका पूरा हेडर है, यहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कस्टमाइज में आता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको हेडर का भी कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर है आपके पास हेडर, हेडर के अंदर मैं आया मेन्यू। ठीक है, मेन्यू की राइट सेंटर जो रखना है, लेफ्ट वो रख सकते हैं, अभी राइट पे कर देता हूँ मैं। और कलर वगैरह चेंज करना है तो वो कर सकते हैं आप, ये मैं कलर करके दिखा रहा हूँ कि आपको।
एंड देन होवर कलर और लिंक वगैरह जो भी है कर सकते हैं आप। और अगर आपने इसमें पैडिंग अप्लाई करनी है तो आप पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, कि पैडिंग अप्लाई कर दी मैंने इसके ऊपर, और थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह मैं कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह कर दी है मैंने। एंड देन ये देखिए होवर पर आप देख रहे हैं स्टाइलिंग मैंने थोड़ी सी कर दी है इसके ऊपर, और मैं इसकी वेट भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं इसकी स्टाइल को सर्च आइकन स्टाइल, देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है आपके पास सर्च आइकन स्टाइल पे, उसको मैंने कर दिया। और कैटेगरी टाइटल बैकग्राउंड, कैटेगरी की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, और अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। एंड देन ये मेरे पास सारी चीज़ें हुई हैं, चेक लगा देता हूँ, ठीक है, चेक लगा के रहने देता हूँ और पब्लिश करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आता हूँ हेडर मीडिया में, और अगर मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ तो इमेज लगा सकता हूँ मैं, और अगर मैं कोई अटैचमेंट रखना चाहता हूँ तो वो भी रख सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ हेडर मीडिया को, मैं जनरल में आता हूँ और यहाँ से मैं जो है हेडर की फुल वेट कर देता हूँ, ठीक है, और पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 एंड देन सेव करके पब्लिश करता हूँ। पब्लिश कर दिया मैंने इसको, लोगो में आता हूँ मैं, लोगो की ज़रूरत नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल, लोगो लगाना तो आप लगा सकते हैं अगर कोई आप लगाना चाहते हैं इमेज वगैरह तो आप लगा सकते हैं, लोग फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है लोगों की, पब्लिश करके दिखा रहा हूँ आपको लोगों को। पब्लिश कर दिया मैंने इसको और ये देखिए अभी आपके पास ये मोबाइल में शो हो रही है, मोबाइल के डिस्प्ले में शो हो रही है, मोबाइल रेजोल्यूशन में शो हो रही है। मैं इसे चेंज नहीं करता, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेन वेबसाइट का लोगो है मैं वो लगा के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने लगाया ये आपका लोगो लग गया आपके सामने शो होगा, इसके ऊपर ओपन कर देता हूँ ना ये आगे पे लोगो, ठीक है, इतनी बड़ी पिक्चर है इसका साइज़ इतना बड़ा तो आपको इस तरीके से शो हो रहा है, रिमूव कर देता हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल में चलेगा हम, ठीक है। तो इसकी पैडिंग वगैरह आप बढ़ा लीजिएगा, अगर आप जनरल सेटिंग्स मार के देखते हैं, अगर आप होम पेज सेटिंग माने के इसको अगर स्टैटिक बनाना चाहते हैं स्टैटिक कर दें, अगर आप लेटेस्ट पोस्ट को जो है डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने होम पेज पे तो वो भी करा सकते हैं। सो ये हमारा काम कम्प्लीट हो गया अपना, अभी हम जो है इसको छोड़ देते हैं ऐसे, और मैं आपको दिखा चुका हूँ ये मेरे पास ही आ गए हैं, ये मेरे पास सब चीज़ें शो हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, अब मैं इसको आपको टॉप बार पे दिखा के दिखाता हूँ, टॉप बार पे भी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ इम्प्लीमेंट। टॉप बार के हमने सेव चेंजेस किया तो मेरा फिर टॉप बार पे भी मेरे आइकन ये मेन्यू शो हो रहे हैं, ठीक है, ये देखें आप टॉप बार पे शो हो रहे हैं। अगर आप रहन वाला चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फिलहाल टॉप बार में मैं इसको नहीं रखता, मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, उसे सेव करता हूँ। ऐसे आप फुटर में दिखा सकते हैं, अगर मैं एडिट में नहीं आ जाऊँ मैं यहाँ से भी लोकेशन को चेंज करके देख सकता हूँ, यहाँ से करें आप या फिर मैनेज लोकेशन से करें, एक ही बात है वो, देखें जब मैंने मेन पे किया हुआ है तो मेन पे यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली चेक लगा हुआ आपको शो हो रहा है। तो ये था मेन्यू के बारे में, आप ड्रॉप डाउन को देख लेते हैं कि आप ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना आपने ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर मैं सर्विसेज और ब्लॉग को ऐड कर दूँ या वेब कोडिंग को, तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं सर्विसेज को उठाऊँगा, वेब कोडिंग को उठाऊँगा, ऐसा ड्रैग करूँगा और ये मैं इसके थोड़ा इधर इसको राइट साइड पे ले जाऊँगा, तो ये बन गया सब आइटम। सब आइटम का मतलब हो गया ये ड्रॉप डाउन बन गया, मैं इसके ब्लॉक को उठा के बी में इसको ऐसे ले जाऊँगा, ये बल्कि ब्लॉक को मैं टॉप पे रहता हूँ, ठीक है, टॉप पे ही रहने देता हूँ, और इसको सर्विस इसको उठा के मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, इसके नीचे जहाँ चाहें आप पढ़ सकते हैं ये मैं इसको। अब ये मेरे पास ये दोनों ड्रॉप डाउन जो है वो जो सब आइटम है वो मेरे पास प्रोग्रामिंग में आ गया। सेव करता हूँ मेन्यू पे, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें मेरे पास ये हट गया, ये देखें आप वेब कोडिंग के अंदर मेरे पास आ रहा है कौन सा सर्विसेज और प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने किस में किया, मैंने वेब कोडिंग कर दिया, सॉरी वेब कोडिंग के अंदर मैंने सर्विसेज को डाल दिया, प्रोग्रामिंग के अंदर कर देता हूँ, देखें अब देखें आप सेव करता हूँ मैं इसे और मैं
से करता हूँ रिफ्रेश तो प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे पास अभी शो होंगे, ये देख दोनों आइटम शो हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंगली। सो ये आपका मेन्यूज़ भी आपका कंप्लीट हो गया है, सब चीज़ें मेन्यूज़ की। अगर आप न्यू मेन्यू क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप, क्रिएट न्यू मेन्यू का आपके पास लिंक बटन है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। अच्छा, पोस्ट को भी आप देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप कोई पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरीज मैंने पोस्ट बनाई हुई है, तो मैं ऐसे में जस्ट सेलेक्ट करूँगा, ऐड टू मेन्यू करूँगा और सेव करके सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें यहाँ पर शो हो जाएंगी। दिखा देता हूँ, मैं दोबारा पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, मैं ऐड टू मेन्यू किया, मेरे पास मेन्यू में आ जाएंगी और जैसे ही आई मेरे पास मेन्यू में सेव मेन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसे करूँगा यहाँ से रिफ्रेश तो मेरे पास अभी शो हो जाएंगी, लेकिन मेरे पास ये दोनों पोस्ट हैं जो मेरे पास CSS और HTML पोस्ट हैं ये मेरे पास शो हो गई। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका कस्टम लिंक भी बना सकता हूँ, कस्टम लिंक करता हूँ और यहाँ मैं URL देता हूँ अपने फेसबुक का, कॉपी किया मैंने इसको एंड पेस्ट किया और मैं यहाँ पे लिंक बटन देता हूँ दी स्किल स्टैक, ऐड टू मेन्यू करता हूँ, ये मेरे पास मेन्यू में ऐड हो जाएगा, ये आ गया। मैं इसको सेव मेन्यू करता हूँ, सेव मेन्यू किया एंड यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, सो ये भी मेरे पास ऐड हो गया। अगर मैं चाहूँ तो अपनी कैटेगरीज को भी जो है वो ऐड करवा सकता हूँ, मेरे पास ये दो कैटेगरीज बनी हैं। वी ऑल करता हूँ CSS HTML सेलेक्ट ऑल करना चाहूँ सेलेक्ट ऑल कर लूँ, ऐड टू मेन्यू ये मेरे पास मेन्यू में ऐड हो जाएंगी, ये ऐड होंगे वापस से। कि मैं इनका लेबल चेंज करना चाहूँ तो लेबल को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं PHP कर देता हूँ लेट से एंड इंटर हिट कर दिया मैंने PHP कर दिया और मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ JavaScript, ओके इंटर हिट किया। अगर डिसेबल करना लिंक को आप डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है, डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। सो यहाँ मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं से रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास JavaScript भी शो हो रहा है, PHP भी हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने मेन्यूज़ की आपको ऑलरेडी बता दी हैं सब, ठीक है, एक एक मैंने आपको चीज़ें बता दी, एक एक चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बहुत दिखाई हैं। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वीडियो को मैं जो है वो अब विजिट्स वगैरह के बाद जो है मेरा पूरा कंप्लीट है ये सेशन, तो मैं वीडियो को एंड करूँगा। हेडर का मेरा इतना कोई काम है नहीं भी। इंस्टॉल प्लगइन्स अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट के जो ट्यूटोरियल्स हैं, लास्ट की जो क्लासेज हैं उसमें। थीम एडिटर आपके लिए वो डेवलपमेंट के लिए होता है, अगर आप जो एडवांस लेवल पर वर्डप्रेस में काम करते हैं, थीम पर आप कस्टमाइजेशन करते हैं डिज़ाइनिंग करते हैं, तो आप अगर नई नई फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं या थीम में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप थीम एडिटर के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। अगर तो आपको HTML से JavaScript वगैरह आती है, प्रॉपर कोडिंग आती है, तो आप थीम एडिटर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल बिगनर के लिए अभी नहीं है थीम एडिटर वाली चीज़ अभी नहीं है। सो विजेट में आते हैं, विजेट्स के मेन्यू को देखते हैं हम। मैंने क्लिक किया विजेट्स पे, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर विजेट्स के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सर्च बार वाला है आपके पास, डिफ़ॉल्ट साइड बार आपके पास, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं किसी ब्लॉक को तो रिमूव ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हैं, और ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस के बटन पर क्लिक करके आप इसमें से जो भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, इमेज लगा दें, हेडिंग लगा दें। फिलहाल मैं आपको लेफ्ट साइड वाला आ रहा है और सर्च रिजल्ट साइड वाला आ रहा है, इन दोनों ब्लॉक को मैं हटा देता हूँ और मैं काम करता हूँ, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फूटर वन पे और मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ इमेज मैं आपको दिखाता हूँ कॉल करके। अगर आप URL के थ्रू चाहें तो URL के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास इमेज आ गई है। जैसे आपको कैप्शन देनी है, हेडफोन अपडेट कर देता हूँ मैं इसको, अभी अपडेट नहीं करता। जैसे आपको कलर वगैरह देना है वो आप दे सकते हैं, रिप्लेस करना है जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे एडिट करना है, क्रॉप करना है या फिर आपने ऊपर टेक्स्ट रखना है, ठीक है, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। और
टैक्स पर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं टाइटल में लिख देता हूँ हेडफोन, ठीक है, एंड देन मैं इसे अपडेट करता हूँ और यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये क्या है, मेरे विजिट्स में कॉल अरेंज कीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से इसको करता हूँ। मैं ये देखिए, ये फूटर में आके आ गई इमेज पूरी। ठीक है, अगर मैं कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं आऊँगा यहाँ पर और यहाँ मैं कर दूँगा पैराग्राफ और यहाँ मैं डमी टेक्स्ट उठाऊँगा, डमी टेक्स्ट। कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, जितना मैं चाहूँ रख सकता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसको फिलहाल के लिए, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कंटेंट रखता हूँ फिलहाल। और मैं सिर्फ मैं ब्लॉक क्लिक कर देता हूँ, इतना बहुत है। ये मेरे पास मल्टीपल, जितना आपका ज़्यादा टैक्स होगा उतने आपके पास ब्लॉक ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक के अंदर एक ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। और मैं इसे अपडेट करता हूँ और मैं इसे यहाँ पर करूँगा रिफ्रेश, करूँगा मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश। ये देखें, आपके पास दूसरे कॉलम में भी आ रहा है। एक कॉलम ये हो गया फूटर वन, फूटर टू, जितना टैक्स है उतनी आपके पास इस फूटर की जो है वो हाइट और बढ़ती जाएगी जितना कॉन्टेंट होगा। तो मैं अभी कॉन्टेंट में कम कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी मैं ब्लॉक को रिमूव कर दूँगा ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए। इसको भी मैं कर दूंगा, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें। अपडेट एंड रिफ्रेश, तो देख सकते हैं कम हो गया। और दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मेरे पास कंटेंट अभी भी बहुत है। मैं और कम कर लेता हूँ उसकी, किसको अपडेट करता हूँ मैं और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, आप मेरे पास कम हो गया कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एज आ हेडिंग यहाँ पर आ गई है हेडफोन की, जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, ये हेडिंग है फूटर की। एंड देन फूटर वन, फूटर टू, फूटर थ्री, फूटर फोर, इसका मतलब ये कि फूटर वन, फूटर टू, फूटर थ्री एंड फूटर फोर। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए फूटर थ्री में। तो विजिट का काम क्या, आप देख सकते हैं कि अगर आपने फूटर बनाना है साइड बार में, अगर सोशल आइकन्स वगैरह रखने हैं, मीडिया ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, तो वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। पेज की अपडेट अपडेट कर देता हूँ, फूटर फोर में भी मैं ये करता हूँ। यहाँ पर मैं एक ये रखूँगा और मैं इसे अभी ऐसे टैक्स ऐड कर रहा हूँ और मैं अपडेट करके मैं इसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर। तो ये देखिए, मेरे पास पूरा कंप्लीट फूटर भी बन गया। ठीक है, ये आपके फूटर के मेन्यूज हैं और ये आपका टॉप, ये जो आपका लास्ट बोर्ड बॉटम फूटर है, ये वो है कॉपीराइट वाला, जो कि थीम के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी चेंज करके दिखाया था। अगर आप इसको हटाना चाहते हो हटा सकते हैं, ये अगर आप हटाना चाहते हो वहाँ से भी आप हटा सकते हैं कस्टमाइज से। सो ये हमारे जो है विजिट्स का भी सेशन कम्प्लीट हो गया। सो विजिट भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कहीं कन्फ्यूजन है। तो ये था हमारा कंप्लीट सेशन आज के इस वर्डप्रेस का, कस्टमाइज का। और हेडर में चलते हैं, मैं आपको हेडर भी दिखा देता हूँ अभी। हेडर में वही चीज़ आपके पास आ रही है जैसे मैंने अभी आपको कस्टमाइज में करके दिखाया था। मैं आता हूँ फूटर विजिट में आता हूँ और मुझे अगर फिक्स रखना है, ऑन ऑफ करना है तो वो भी कर सकता हूँ। मैं पैरेलेक्स इफेक्ट यूज़ करना है वो कर सकता हूँ। सो ये कुछ एडवांस चीज़ें, अगर मैं फूटर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं ग्रीन कर देता हूँ अभी। अब हम स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहे, हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें देख रहे हैं। सो ये सब मैं कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर में कर देता हूँ उसका चेंज और मैं कर देता हूँ ब्लू और मैं इसे कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये ब्लू ही था ऑलरेडी, मैं वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर वाइट। ओके, सो वीडियो को मैं अब एंड करता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। मैंने आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बता दी करके, कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू।